हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जनरेट टेस्ट डेटा सेट्स फॉर मशीन लर्निंग क्या होता है। ठीक है, जनरेट टेस्ट डेटा सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो वेन एवर वी थिंक ऑफ मशीन लर्निंग द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज डेटा सेट। वाइल देर आर मेनी डेटा सेट्स दैट यू कैन फाइंड ऑन वेबसाइट सच एज कैगल्स कैगल समटाइम्स इट इज यूजफुल टू एक्सट्रैक्ट डेटा ऑन योर ओन एंड जनरेट योर ओन डेटा सेट। Generating your own data sets gives you more control over the data and allows you to train your machine learning model. So in this video we'll see how to do so. Okay, we will generate random data sets using sklearn.datasets library in Python. So the example we have binary classification, the 2D binary classification data generated by make circles have a spherical decision boundaries. So if you don't know what it does actually, what are the parameters of make circles, so you no need to do anything. You nowadays we have ChatGPT, so we'll go with ChatGPT OpenAI and we will see what make circles does. Okay, how it does work, how it does work. The make circle function in sklearn.datasets module is used to generate a synthetic data set consisting of concentric circles. ओके, तो ये क्या कर रहा है कि एक मॉड्यूल है जो कि जनरेट यूज टू जनरेट अ सिंथेटिक डेटा सेट, जो सिंथेटिक डेटा सेट है उसको जनरेट करने के लिए, जो कि कंसिस्ट करता है कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल होता है सर्किल के ऊपर सर्किल। इट इज कॉमनली यूज फॉर टेस्टिंग एंड इलस्ट्रेटिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ये जो कॉमनली यूज होता है टेस्टिंग और इलस्ट्रेटिंग के लिए यूज होता है, क्लस्टरिंग जो एल्गोरिथम है उसको इलस्ट्रेट करने के लिए यूज होता है। सो हाउ द this function works. So the function takes several parameters to define the characteristics of generated data set. The important parameters are n samples, that is the total number of data points to be generated, कि आपको कितने data points generate करने, तो ये बताओ। दूसरा है सफल, so if it is true the generated data points are randomly shuffled, अगर ये true है, देखो यहाँ पर ये ट्रू है तो आपका जो ये डेटा सेट है वो मतलब बहुत ज़्यादा रैंडमली सफल्ड है। सफल करते हैं ना अपन ताश की पत्तियों को, सफल करते हैं वैसे ही। फिर नॉइज, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गॉसियन नॉइज एडेड टू द डेटा पॉइंट। सो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है गॉसियन नॉइज का वो हमें यहाँ ऐड करने की ज़रूरत है। तो कह रहा है कि नॉइज जो टॉलरेटेड है यहाँ पर वो 0.1 हो सकती है। फिर कह रहा है रैंडम स्टेट जो फैक्टर है, मतलब यहाँ पर रैंडम स्टेट भी एक फैक्टर, यहाँ पर एक फैक्टर है द स्केलिंग फैक्टर बिटवीन द इनर एंड आउटर सर्किल। इनर और आउटर सर्किल के बिटवीन स्केलिंग फैक्टर कितना होना चाहिए, लेस वैल्यू लेस देन वन क्रिएट्स ओवरलैपिंग सर्किल्स। अगर एक से कम है तो ओवरलैप करेगा, वाइल अ वैल्यू ग्रेटर देन वन क्रिएट्स सेपरेटेड सर्किल। अगर एक से ज़्यादा होगा तो सेपरेट हो जाएगा। तो इट शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। ओके, मतलब 1 से तो कम भी नहीं होना चाहिए और 1 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नियर बाय दैट जो ये फैक्टर है। ठीक है, फिर द फंक्शन जनरेट्स एन सैंपल्स सैंपल्स डेटा पॉइंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेंज 0 to 1। ओके, वेयर 0 इज इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। इट कैलकुलेट्स द एंगल फॉर एवरी और ईच डेटा पॉइंट्स बाई मल्टीप्लाइंग इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विद 2π। ओके, टू क्लासेस आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड एंगल। इफ द एंगल फॉल्स विद इन द रेंज 0 to π पर फैक्टर द डेटा पॉइंट इज असाइन टू क्लास 0, एंड इफ इट इज लाइज इन पाई फैक्टर 2 2π सो इट विल लाइज इन क्लास 1। इफ द नॉइज पैरामीटर इज ग्रेटर देन 0, fifth point, so Gaussian noise is added to each point data point by drawing random samples from a
गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नॉइज। द सफल पैरामीटर इज ट्रू, द जनरेटेड डेटा पॉइंट्स आर रैंडमली सफल टू दी टू प्रोवाइड अ मोर रियलिस्टिक सिनेरियो। फाइनली द फंक्शन रिटर्न्स द जनरेटेड डेटा पॉइंट्स एज अ 2D नंपाई अरे एंड द कोरस्पॉन्डिंग क्लास लेबल्स एज अ 1D नंपाई अरे। सो दीज आर द थिंग्स अराउंड दिस। देखो यार, जब तक हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, तब तक मज़ा नहीं आता। तो चलो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो हेयर इन दिस प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम, यू कैन सी फ्रॉम एसके लर्न डॉट डेटा सेट आई हैव इम्पोर्टेड मेक सर्कल्स, ओके, एंड आई हैव ऑल्सो इम्पोर्टेड मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, पाइपलॉट फ्रॉम मैटप्लॉटलिब, ओके। सो टू थिंग्स आई हैव इम्पोर्टेड, मेक सर्किल, दिस इज फंक्शन एंड दिस इज कंप्लीट मॉड्यूल, ओके। सो विद दिस फंक्शन आई एम जस्ट पासिंग दिस पैरामीटर एंड सैम्पल शुड बी 200, देन शफल, इट हैज़ टू बी सफल्ड, देन नॉइस, नॉइस इज लाइक कि हाउ मच नॉइस इज टॉलरेटेड, सो इट विल बी 0.1, एंड रैंडम स्टेट इट विल बी 42, 42 रैंडम स्टेट्स। सो ये डेटा हमारा एक्स और वाई के अंदर आ गया, ठीक है। एक्स और वाई के अंदर जो डेटा आने के बाद में हमने इसको, जो प्लॉट पीएलटी मॉड्यूल है, इसके अंदर होता है स्कैटर फंक्शन, ठीक है। सो इसके अंदर हमने पैरामीटर पास किए एक्स के। सो ये मैं बेसिकली पास कर रहा हूँ, मतलब इससे पहले, जीरो से पहले के जितने भी हैं, और वन से, देखो एक तीन पैरामीटर्स हम इसके अंदर पास करते हैं एस के अंदर, अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूँ तो, ठीक है। स्कैटर कहाँ गया, इसके अंदर, स्कैटर के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो पैरामीटर हो गया, ये हो गया एक कांस्टेंट, फिर ये दूसरा कांस्टेंट, फिर ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी क्या हो गया। और फिर बाद में जैसे हमने स्कैटर कर दिया इसको, स्कैटर फंक्शन के अंदर स्कैटर कर दिया, देखो स्कैटर देख लेते हैं कैसे काम करता है। स्कैटर इन सो जो मैटप्लॉटलिब के अंदर जो स्कैटर काम करता है, उसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। देखिए यहाँ पर स्कैटर दे दिया हमने, दो दे रहे हैं हम, एक्स और वाई दे रहे हैं, ठीक है। सो स्कैटर मतलब अलग अलग फंक्शंस हैं बेसिकली, अगर जब हम डिफरेंट डिफरेंस वो देते हैं, इसके पैरामीटर्स देते हैं, तो चेंज हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ आप देख सकते हो हेल्प फंक्शन के अंदर बेसिकली कुछ नहीं करना, हेल्प को यूज़ करना, हेल्प फंक्शन को यूज़ करना आपको, ठीक है। तो आपको इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। तो ये जो पैरामीटर्स है एक्स वाई, हम ये अलग अलग चीज़ें देते हैं इसके अंदर, स्कैटर के अंदर, तो एक्स वाई हो गया, फिर एस हो गया, सी हो गया, तो इनके बारे में कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर, आप देख सकते हो। इसके बारे में, एस के बारे में बता रखा है कि ये क्या है, एक्स वाई क्या है, ये एक अरे है, ठीक है, अरे लाइक है, शेप होती है इसकी, फिर एस क्या है, फ्लॉट और अरे लाइक हो गया, इसकी भी शेप हो गई, फिर बाद में सी हो गया, सी अरे और लिस्ट ऑफ कलर्स और कलर, ऑप्शनल द मार्कर, मार्कर कलर्स, ठीक है। सो पॉसिबल वैल्यूज हो गई इसकी, ठीक है। फिर इसी तरीके से करके ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। अगर मैं इसके अंदर सिर्फ ये प्रिंट करवाना चाहूँ, इसको मैं एक बार कर देता हूँ कंप्लीटली, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि ये क्या है, इसको प्रिंट करवा के देखा। देखिए ये एक जो एक्स वाला पार्ट हो गया, वो तो वैल्यूज हो गई इसकी, कि जो वेरी कर रही है,
जीरो से वन के बीच में, ठीक है। तो ये तो वैल्यूज हो गई, और दूसरी जो वाई है वो जीरो और वन के बिटवीन है, ठीक है। सो ये हो गया आपका एक्स एंड वाई की दो जो कंप्लीट वो है, ठीक है। बेसिकली वाई अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ये है कि जो ये डिटरमाइन कर रहा है कि कलर क्या होगा उसका, जो सी है वो ये डिटरमाइन करता है कलर क्या होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने वाई दे दिया, हर एक पॉइंट के साथ में उसका कलर एसोसिएटेड है। पहले वाले पॉइंट के अंदर हमने दिया जो जीरो से नीचे के पॉइंट हैं, ठीक है, जीरो से नीचे के जितने पॉइंट्स हैं उसको, और दूसरे वाले के अंदर दिया जो वन से नीचे के पॉइंट्स हैं जितने भी, ठीक है। सो दूसरे वाले के अंदर हमने ये दे दिया, तो कुछ इस तरीके से हमने दो पॉइंट्स दे दिए। यहाँ ये देखिए, ये वाले पॉइंट, तो अगर मैं इसको डिस्टिंग्विश करूँगा, यहाँ पर डिस्टिंग्विश करता हूँ, तो समझ में आ रहा है, तो आप इससे समझ जाए अच्छे से। यहाँ पर मैं डालता हूँ, और अब मैं इसको प्रिंट आउट करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, दोनों को अलग अलग प्रिंट कर देता हूँ यार। हेलो हेलो, बीच में सेपरेट कर देता हूँ इसको हेलो से, फिर इसको प्रिंट आउट करता हूँ फिर से। ये देखिए, यहाँ से सेपरेटेड है, तो इसके अंदर जो जितनी वैल्यूज होगी वो जीरो से नीचे की होंगी, ठीक है। सो जीरो से नीचे की वैल्यू जितनी भी है, मतलब जीरो भी इंक्लूडेड है, सो वहाँ तक। और यहाँ पर इसके अंदर जितनी वैल्यूज होगी, माइनस वाली भी है, ये सारी होगी वन वाली भी, ठीक है। दोनों सेपरेट कर दिए, अच्छा। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि एक्स ये सेमी कॉलन लगा रखा है फिर जीरो लगा रखा है तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कि आपके पास में ये एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी फॉर्म में। तो जब आपको कह रहा है कि मान लीजिए एक्स इक्वल टू ये है, तो ये कह रहा है कि अगर कॉलन लगाकर और फिर जीरो बता रहा है, तो ये कह रहा है कि कॉलन मतलब ऑल रोज, जितनी भी रोज है, ठीक है, जीरोथ कॉलम की, इस कॉलम की, जीरोथ कॉलम की, ये तो हो गया कॉलम, ये हो गया रो, ठीक है। तो इस कॉलम की जितनी भी रोज हैं, तो वो बेसिकली इसकी बात कर रहा है। और जब यहाँ आ गया, तो जब हमने ये डाल रहे हैं ना, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट कॉलम की जितनी भी रोज है, तो इसके अंदर तो आ जाएगा ए और सी प्रिंट होकर, और इसके अंदर आ जाएगा बी और डी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर सेंड की स्कैटर प्लॉट लिब में। तो ये एक्स एक्सेस इसको डिनोट कर दिया, और वाई एक्सेस में ये हो गया, एक्स और वाई हो गया। फिर कलर के लिए हमने बेसिकली ये वाई भेजा है, ये कलर के लिए है कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से हम कलर को वो करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, मैं एक बार आपको प्रिंट आउट करवा के दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम। ये देखिए, तो ये जो 0 1 आ रहा था वाई के अंदर, तो ये येलो कलर के लिए और दूसरे ब्राउन कलर के लिए एप्लीकेबल है। वहीं जो ये डेटा था एक्स और वाई के लिए, वो यहाँ से हमने दे दिया, एक्स और वाई के अंदर जो डेटा था वो यहाँ से हमने दे दिया। तो ये बेसिकली एक्स हो गया, और ये वाई हो गया, और ये उसका कलर हो गया। अगर हम कलर नहीं भेजते हैं, सपोज मैंने कलर नहीं भेजा, तो ये कैसे काम करेगा, तो देखिए एक जैसा ही कलर होगा। अब देखिए, यहाँ पर कलर का कोई डिवीजन नहीं है इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर, लेकिन जैसे ही मैंने वाई भेजा उसके अंदर,
तो कलर डिवीजन भी आ जाएगा। सी इक्वल टू वाई अगर मैंने भेज दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कलर डिवीजन भी। तो ये देखिए कलर के अंदर ये सेपरेटेड हो रहा है। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इस तरीके से काम करेगा पर्टिकुलर। इसको हमने हमने एक जनरेट किया टेस्ट डेटा सेट क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आई विल कवर द नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जाम्पल्स इन अ सेकेंड पार्ट।